गुजरात के अहमदाबाद में वर्ष 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में 14 साल बाद आज दोषियों को सजा सुना दी गई है। इस मामले में कुल 78 आरोपी बनाए गए थे। कोर्ट ने 49 अभियुक्तों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा 11 दोषियों को उम्र कैद हुई है। 26 जुलाई 2008 को गुजरात के अहमदाबाद बाद में एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इस घटना में 70 मिनट के भीतर 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक घायल हो गए थे। कोर्ट ने धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1,00,000 रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए तथा मामूली रूप से घायलों को 25,000 की राशि का मुआवजा देने का आदेश दिया है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सजा। भारत ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लून की उन टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा में करीब आधे सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को आज हिरासत में लिया। दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज हैं। इकबाल कास्कर और हसीना पाकर के बारे में यह माना जाता है कि ये दाऊद इब्राहिम के मुंबई से 80 के दशक में फरार होने के बाद उसके अंडरवर्ल्ड के धंधे को मुंबई से ऑपरेट करते रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो चित्रा रामकृष्ण को समन भेजने पर विचार कर रही है। चित्रा रामकृष्ण पर एनएसई के संवेदनशील दस्तावेजों और गोपनीय जानकारियों को हिमालय के एक योगी के साथ साझा करने के आरोप लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आज प्रधानमंत्री आवास पर सिख समाज के प्रमुख लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी और सिख समाज के लोगों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। पीएम मोदी और सिख समाज के प्रमुखों की इस मुलाकात को पंजाब चुनाव से सीधे तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। इस मुलाकात से सिख समाज में भाजपा और पीएम मोदी को लेकर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से हाईवे पर होने वाली मौतों को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। 2030 तक हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या आधी करने की योजना बनाई गई। इसके लिए सभी हाईवे पर पुलिस बल की तैनाती निश्चित करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे मुख्य सचिव ने मंजूरी दे दी है। अगले 2 माह में हाईवे पुलिस की ट्रेनिंग कराई जाएगी। इस पुलिस की देखरेख के लिए हाईवे एसपी का पद भी बनाया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुमार विश्वास के दावे की जांच की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कुमार विश्वास ने जो कुछ भी कहा है इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यूपी में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी उम्मीदवारों की किस्मत 20 फरवरी को ईवीएम में कैद हो जाएगी। तीसरे चरण में यूपी की 16 जिलों की 59 सीटों पर हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर एवं महोबा जिलों में मतदान होना है। पंजाब में भी आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में भी 20 फरवरी को वोट पड़ेंगे। लखनऊ में केजीएमयू के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर बिपिन पुरी पर डॉक्टरों की भर्ती, कोरोना जांच किट की खरीद और प्रोन्नति में भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन मामलों की जांच के संबंध में उपलोकायुक्त के सचिव ने चिकित्सा विभाग के अपर प्रमुख सचिव को पत्र भी लिखा है, जिसमें 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया है। इसकी रिपोर्ट 21 मार्च तक उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।